वंदे मातरम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद ही खुशखबरी भरा होने वाला है। बेहद ही खुशखबरी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा का बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ही समय से वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए खुशखबरी भरा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें हम बात करेंगे कि चार धाम यात्रा के लिए हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी बातों पर ध्यान रखेंगे, सभी बातों के बारे में बताएंगे। पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगी कि जब चार धाम यात्रा जब हम जाना चाहते हैं तो उन बातों का क्या ख्याल रखें। चार धाम यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक छोटे से वीडियो के अंदर मिलेगी। तो यदि आप ऐसे ही एंटरटेनिंग और यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, केदारनाथ और जय बद्र विशाल जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि चार धाम यात्रा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यात्रा के पहले नियम के अंतर्गत श्रद्धालु के पास COVID-19 RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट्स होना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट के बिना आप चारधाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों चारधाम यात्रा के लिए चारधाम यात्रा से जुड़ी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों चारधाम यात्रा में फिलहाल वही लोग जा सकते हैं जिन जिलों में चारधाम स्थित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अभी फिलहाल के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए सिर्फ फिलहाल उत्तरकाशी के निवासी ही, स्थानीय निवासी ही दर्शनों के लिए जा सकते हैं। वहीं श्री केदारनाथ धाम की बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले के स्थानीय निवासी ही श्री भगवान केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में चमोली जिले के लोग ही, स्थानीय निवासी ही दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों चारों धाम के स्थानीय निवासियों के लिए भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यात्रा पर जाने के लिए आपको एक नियम का पालन और करना पड़ेगा। वो नियम है कि आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। जी हाँ, यात्रा पर जाने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वैक्सीनेशन का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए तो उसके साथ ही आप यात्रा कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा दोस्तों तो आने वाले समय में भी स्थानीय निवासियों के अलावा पूरे भारत से राज्यों के लिए चार धाम यात्रा के द्वार खुल जाएंगे। सभी श्रद्धालु चार धाम यात्रा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही यूजफुल और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ।